मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट EVS, लेसन 13। तो बच्चों चलो आज हम लोग कौन सा लेसन पढ़ेंगे, 13। तो आपके 13 लेसन में क्या है, क्लास। क्लास मीन्स क्या होता है, कपड़े। क्लास नॉट ओनली कवर आवर बॉडी बट मेक अस स्मार्ट। कपड़े न केवल हमारे शरीर को ढकते हैं बल्कि हमें स्मार्ट बनाते हैं। कवर मीन्स क्या होता है, ढकना होता है, और क्लास मीन्स क्या होता है, कपड़े होता है। तो इसमें क्या बताया है, जो कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को ढकते नहीं हैं बल्कि हमें क्या करते हैं, स्मार्ट भी बनाते हैं। वी वियर क्लास टू कवर आवर बॉडी। हम अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन एंड कोल्ड। प्रोटेक्ट मीन्स क्या होता है, सुरक्षा, यानी उसकी सुरक्षा करना या बचाना। और हीट मीन्स क्या होता है, हीट मीन्स गर्म होता है, और रेन मीन्स वर्षा होता है, और कोल्ड मीन्स ठंड होता है। तो वे हमें गर्मी, बारिश और ठंड से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट एंड एनिमल। वे हमें, इंसेक्ट मीन्स क्या होता है, कीड़े होता है, और एनिमल्स मीन्स जानवर। तो वे हमें कीड़ों और जानवरों से बचाते हैं। क्लास कीप द डर्टी अवे फ्रॉम अस। डर्टी मीन्स क्या होता है, आपका गंदगी होती है, और अबे यानी दूर होता है। तो कपड़े गंदगी को हमसे क्या करते हैं, दूर रखते हैं। क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। कपड़े हमें स्मार्ट क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं वो हमें स्मार्ट लगते हैं। वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन। सीजन मीन्स क्या होता है, आपका मौसम होता है, और डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के। तो वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन, यानी हम विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से सीजन होते हैं हमारे। वैसे मेन सीजन 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए फर्स्ट सीजन आपका कौन सा आता है, समर सीजन। तो समर सीजन मीन्स क्या होता है, गर्मी का मौसम। बी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो समर मीन्स क्या होता है, गर्मी, और कॉटन क्लॉथ्स मीन्स क्या होता है, सूती के कपड़े को हम क्या कहते हैं, कॉटन क्लॉथ कहते हैं। तो हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। दे एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम अवर बॉडी एंड कीप अस कूल। तो एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, उसको सोखना यानी उसका अवशोषण करना, यानी। तो इसमें अश्वेत मीन्स क्या होता है, पसीना होता है। तो ये हमारे शरीर से पसीने को सोख लेता है और हमें क्या करता है, हमें ठंडा रखता है। कॉटन क्लॉथ आर मेड ऑफ कॉटन। जो आपके सूती के कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, आपके कॉटन से बने होते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। हमें कपास, जो कपास होता है, आप लोग भी अपने घर में कपास के पौधे देखते हैं, तो कपास के पौधे से हमें क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, यानी कपास मिलता है। फिर नेक्स्ट सीजन कौन सा आपका है, विंटर सीजन। विंटर सीजन मीन्स क्या होता है, सर्दियों का मौसम। जैसे इस समय ये कौन सा सीजन चल रहा है, आपका विंटर सीजन चल रहा है। बी बियर उलन क्लॉथ इन विंटर। उलन मीन्स क्या होता है, जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उलन क्लॉथ करते हैं कहते हैं। और विंटर मीन्स सर्दियों का मौसम, सर्दियाँ। तो देखिए इसमें कि हम सर्दियों में क्या करते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म, यानी वे हमें गर्म रखते हैं। उलन क्लॉथ आर मेड ऑफ ऊल। ऊनी कपड़े ऊन से बने होते हैं। मेड यानी क्या होता है, बनाना होता है। तो इसमें क्या बताते हैं कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊल यानी ऊन से बने हुए होते हैं। बी गेट ऊल फॉर्म सीप। जो ऊल होता है यानी ऊन होता है वो हमें किससे मिलता है, सीप। सीप मीन्स क्या होता है, भेड़। तो हमें भेड़ों से हमें ऊन मिलता है। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग।
नेक्स्ट सीजन आपका कौन सा आया? रेनी सीजन। तो रेनी सीजन मीन्स क्या होता है आपके? बरसात के मौसम को हम लोग क्या कहते हैं? रेनी सीजन कहते हैं। तो देखिए बारिश का मौसम। नेक्स्ट आया बी बियर रेन कोट एंड यूज अम्ब्रेलाज इज द रेनी सीजन। यानी हम रेन कोट क्या करते हैं? हम लोग रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं और बरसात के मौसम में किसका? छतरियों का उपयोग करते हैं। अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है? छतरी होती है। आप लोग भी देखते हैं जब रेनी सीजन में बारिश होती है तो आप लोग रेन कोट पहनते हैं या तो छतरी लेके चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्या करती हैं? बारिश से प्रोटेक्ट करती हैं, यानी आपको बारिश से बचाती हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। ये हमें क्या करता है? भीगने से बचाता है। फिर देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक अपना देखिए, क्लास फॉर स्पेशल ओकेजन्स, यानी विशेष अवसर। ओकेजन्स मीन्स क्या होता है? जो अवसर होते हैं, यानी कार्यक्रम जो हमारे यहाँ हम लोग दीपावली या अपना हर त्यौहार मनाते हैं। देखिए अलग त्यौहार में देखिए हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, फेस्टिवल हो गया, और किसी की शादी होती है तो हम उस समय क्या करते हैं? स्पेशल कपड़े पहनते हैं, यानी विशेष तरह के पहनते हैं। तो विशेष अवसरों के लिए कपड़े देखिए बताया गया है इसमें, बी बियर स्पेशल क्लॉथ फॉर बर्थडे पार्टीज फेस्टिवल्स वेडिंग्स एक्सेट्रा, बी बियर फैंसी एंड न्यू क्लॉथ ऑन दीज ओकेजन्स। हम जन्मदिन की पार्टियों, त्योहारों, शादियों आदि के लिए विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं। बी बियर फैंसी एंड न्यू क्लॉथ ऑन दीज ओकेजन्स, यानी हम फैंसी और नए अवसरों में इन कपड़ों को क्या करते हैं? पहनते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या आया? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी आपकी वर्दी। जैसे यूनिफॉर्म हम लोग अपने स्कूल में जाते हैं तो स्कूल जाने के लिए एक हम क्या करते हैं? ड्रेस सिलवाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्दी। ऐसे देखिए आपके पुलिस वाले रहते हैं तो उनकी भी यूनिफॉर्म होती है, जो वकील लोग रहते हैं तो उनके भी यूनिफॉर्म, वैसे ही डॉक्टर लोग भी अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो हम लोग भी स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल का भी एक निश्चित यूनिफॉर्म होता है। When we go to the school or people go to their job, they wear special kind of dress called a uniform. जब हम स्कूलों में जाते हैं या लोग अपनी नौकरी पर जाते हैं तो वे एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म यानी वर्दी कहते हैं। तो ये आपका लेसन यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट देखिए आपके लेसन में क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्या है? कॉटन क्लॉथ आर मेड ऑफ, जो कॉटन क्लॉथ होता है वो किससे मिलके बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कॉटन यानी कपास से। बी गेट ऊल फॉर, हमें ऊल यानी ऊन किससे मिलता है? तो अभी हमने आपसे को पढ़ाया है ये हमें सीप से मिलता है, यानी भेड़ से मिलता है। थर्ड देखिए, ऊलन क्लॉथ कीप अप अस, इसका आंसर हो जाएगा वार्म, क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? गर्म देते हैं। जो ठंडी में हम ऊनी वाले कपड़े पहनते हैं उससे हमारा क्या होता है? हमें गर्मी लगती है, तभी ना हम ठंडी में गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर फोर देखिए, स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म। फिर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, कॉटन क्लॉथ आर यूज्ड इन विंटर, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि कॉटन कपड़े का यूज हम विंटर सीजन यानी ठंडी के मौसम में नहीं करते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म, जो आपके ठंडी वाले कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, वो गर्म होते हैं, ये आपका ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग, क्लास मेकर्स लुक स्मार्ट, कपड़े आप क्या करते हैं? स्मार्ट दिखते, ये से आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ये देखिए हमें यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से हमें करेक्ट वर्ड चूज करके इसमें क्या करना है? फिल करना है यानी भरना है। तो फर्स्ट देखिए, बी बियर वूलन क्लॉथ, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? वूलन हो जाएगा।
सेकंड देखिए कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेद फार्म आवर बॉडी, तो सेकंड में क्या हो जाएगा स्वेद हो जाएगा और थर्ड में क्या हो जाएगा आपका वार्म हो जाएगा। फोर देखिए बी यूज रेन कोट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा फोर का आंसर रेन कोट्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आंसर इन वन वर्ड, इसके आंसर हमें एक वर्ड में देना है, तो व्हाट डू बी गेट फॉर्म कॉटन प्लांट्स, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा कॉटन क्लॉथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू बी गेट फॉर्म शीप, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऊल हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए आप व्हाट डू बी बियर ऑन फेस्टिवल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फैंसी क्लॉथ। फिर फोर देखिए विच टाइप ऑफ क्लास डू स्टूडेंट बियर, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाई डू बी बियर क्लॉथ, तो बी बियर क्लॉथ टू कवर अवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट अस फॉर्म हीट कोल्ड रेन डस्ट एक्सेट्रा। व्हाई डू बी बियर कॉटन क्लॉथ इन समर, तो दे एब्जॉर्ब द स्वेट फॉर्म अवर बॉडी एंड कीप अस कूल। थर्ड क्वेश्चन देखिए Why do bee bear woolen cloth in winter? तो bee bear woolen cloth to keep ourselves warm. Four number देखिए What is a uniform? तो bee bear special kind of dress called a uniform. तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे हम आपका नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।